आता हुआ यहाँ पर जेफरीज की तरफ से आज इस स्टॉक में दिखना चाहिए भरपूर एक्शन। आइए इस एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सप्रेस का दमदार पैनल है तैयार, शुक्रवार की सुबह वक्त है पिक ऑफ द डे का। सुमित जी की तरफ से सिद्धार्थ जी है तैयार अपनी पिक के साथ। सुप्रभात सिद्धार्थ जी, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और गुड मॉर्निंग सारे पैनलिस्ट और प्यारे दर्शकों को। अनिल जी अभी आप चर्चा कर रहे थे टाइटन की, बंसल जी ने स्टॉक चेंज कर दिया, वैसे ही सेम स्टॉक दे दिया था, मेरा फेवरेट स्टॉक दिया था जो मैं पिक ऑफ द डे में लेने वाला था, वो है कुणाल जी। और मेरे को भी लास्ट मोमेंट में चेंज करना पड़ा क्योंकि आपने तो बोल दिया कि कॉपी हो जाएगी, तो मैं कॉपी नहीं करूंगा। बिल्कुल। तो मैं नया पिक ऑफ द डे लेके आया हूं और वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL, जिसका टारगेट होगा 2800 रुपए का शॉर्ट टर्म टारगेट, और किसी ने अगर पोजिशनल या लॉन्ग टर्म रख लिया तो 3500 रुपए भी आ सकता है। HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर दिग्गज FMCG स्पेस की, कौन से सेगमेंट में काम नहीं करती है, सारे ही सेगमेंट में है, वॉल्यूम्स बेहतर आने लगे। सबसे बड़ी चीज है रूरल इंडिया में थोड़ा बहुत ग्रोथ और अपटर्न दिख रहा है जिसके कारण वॉल्यूम्स आ सकते हैं, इनपुट प्राइसेस जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है वो गिर रहे हैं उससे फायदा, और दूसरा प्रीमियमाइजेशन, प्रोडक्ट को इनोवेट करते करते ये लोग जो प्रीमियमाइजेशन करते हैं जिसके कारण मार्जिन्स बेहतर हो सकते हैं। तो HUL पहला टारगेट 2800 रुपए का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट है 3500। ओके, तो 3500 के बड़े टारगेट के लिए, लेकिन जैसे आप 10 मिनट लेट हो गए, 10 मिनट भी नहीं 5 मिनट लेट हो गए, नहीं तो आप MGL दे पाते थे। वैसे ही सिद्धार्थ जी ज्यादा नहीं, आप एक दिन लेट हो गए HUL में। कल HUL किस किस ने रिकमेंड किया है? कल परसों में लगभग मेरे ख्याल से सबका रिकमेंडेशन निकल रहा है ना, कुणाल जी, अनिल जी डे बिफोर यस्टरडे से, हाँ सचिन जी, सुमित जी, लगभग सारे सबके HUL आए। हाँ जी सिद्धार्थ जी, अनिल जी आपकी बात सही है, HUL में हो सकता है मैं लेट हो गया हूँ, MGL में मैं लेट ही होता क्योंकि मेरा पिक ऑफ द डे अनिल जी लास्ट में लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा MGL लास्ट ही आता तो उसमें तो मैं कॉम्पीट नहीं कर सकता। नहीं, आप कल 7:45 बजे बैठ जाओ। मेरे से पहले आपका लेंगे। क्या बात है, दीप हमारे एकदम डिसिप्लिन है। मेरे को साफ बोलते हैं सर 7:50 पे आप आ जाओ स्टूडियो में, आपके पहले कोई और आ गया तो उससे शो शुरू कर दूंगा। अच्छा बाय द वे, मेरा सवाल दूसरा आप सब लोगों से, सारे एक्सपर्ट से, अगर कंडीशंस लगते हैं नजर इस पर और एक्शन भी बस होने के तैयार है बाजार में, रियल एस्टेट जबरदस्त मूव आ रही है सिद्धार्थ जी। कल हमने देखा सारे रियल एस्टेट काउंटर, इनफैक्ट परसों दोपहर से ही DLF, ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैक्रोटेक सब मूव कर रहे हैं। शोभा की तरफ से हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स आई है सर, रियलाइजेशन करीब 24% बढ़कर आए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, ये जो तेजी आ रही है रियल एस्टेट में तो बरकरार रहेगी? बिल्कुल दीपांशु, मुझे लगता है कि ये बरकरार रहनी चाहिए क्योंकि रियल एस्टेट कई क्वार्टर्स और सालों के बाद अब जगह है और यहाँ पे ट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है। ये जो ट्रैक्शन है ये जेन्युइनली अगर देखा जाए तो खाली इन्वेस्टर बेस का ट्रैक्शन नहीं है, रियल बायर एक्चुअल बायर भी है मार्केट में, जिसके कारण रियल एस्टेट में एक ट्रैक्शन दिख रहा है। और जिसमें मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग बैलेंस शीट वाली कंपनी है जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज, इन सब कंपनियों पे जरूर ध्यान देना चाहिए। आप जैसे शोभा की बात कर रहे हैं, प्री सेल्स की बहुत दमदार सेल्स हुई है, साथ ही साथ अगर गोदरेज की भी बात करूं जो पिछले 3 quarters में जो लॉन्चेस हुए हैं 50-60% प्री सेल्स में चले गए हैं, तो ओवरऑल रियल एस्टेट पैक स्ट्रांग है, जिसमें मेरी नजर रहेगी गोदरेज प्रॉपर्टीज पे। गोदरेज प्रॉपर्टीज पर नजर है, ये है सिद्धार्थ जी की तरफ से राय। आइए सिद्धार्थ जी की तरफ से एक बिगुल सुपर सेट। जी सर, डीपी कैश का स्टॉक है और ये है प्राज इंडस्ट्रीज। प्राज इंडस्ट्रीज पे खरीदारी की राय है, शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 400 रुपए का 400 प्राज इंडस्ट्रीज पे, और लॉन्ग टर्म अगर पर्सपेक्टिव रखें तो 470 के टारगेट आ सकते हैं प्राज इंडस्ट्रीज पे। बायोफ्यूल प्रोडक्शन में हेल्प करती है, साथ ही साथ सप्लायर है इथेनॉल प्लांट प्रोडक्शन के लिए, मशीनरी सप्लाई करती है इथेनॉल प्लांट के लिए। प्राज इंडस्ट्रीज जो इथेनॉल का जो जिस हिसाब से गवर्नमेंट का पुश है, मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। इस ऑटो एक्सपो में भी अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल कंपनियां अपने व्हीकल को जो शोकेस कर रही थी तो इथेनॉल बेस्ड ब्लेंडिंग व्हीकल्स दिखा रही थी। साथ ही साथ इनके जो चौथे तिमाही के नतीजे, मुनाफा 50% से ज्यादा, आय 25% से ज्यादा, मैं मानता हूं नंबर्स फाइनेंशियल्स बहुत इंप्रूव होंगे। प्राज इंडस्ट्री शॉर्ट टर्म टारगेट 400 रुपए का और अगर लॉन्ग टर्म देखे 6-8 महीने का 470 के टारगेट आ सकते हैं।
170 के टारगेट के लिए, बड़े टारगेट के लिए प्राज इंडस्ट्री और छोटा 15। आइए एक बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेंटर। बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए दीपांशु, एक चौंका देने वाली बात दिखी है मुझे, क्योंकि मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है इसलिए मैंने अभी ऑब्जर्व किया है। पिछला कॉल जो मेरा था प्राज इंडस्ट्रीज का, जो भाव चल रहा है वो 390 के करीब है, और ये जो स्टॉक देने वाला हूं ये भी 390 का ही भाव है। ये स्टॉक है इंडियन होटल, 389-390 के करीब का भाव है इंडियन होटल का। वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स में है इंडियन होटल्स। शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 400 रुपए का, 400 रुपीज का, और पोजिशनल टारगेट होगा 425 का। इंडियन होटल ताज विवांटा चेन ऑफ होटल्स, लग्जरी अगर बात करें तो इंडियन होटल्स है। फिगर्स की बात करें तो ओडीआई वर्ल्ड कप, वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जो अक्टूबर नवंबर में है, G20 का समिट, एवरेज रूम रेट्स और जो भी है सारे नंबर्स एक्सपैंड हो रहे हैं। सबसे बड़ी चीज मार्जिन की, जो मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि 33% के करीब ले आएंगे। FY24 काफी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथनिंग लग रहा है उनके लिए, और होटल बिजनेस अभी भी बहुत जोरों से चल रहा है। तो इंडियन होटल शॉर्ट टर्म टारगेट 400 रुपए का और पोजिशनल टारगेट 425 का। इंडियन होटल्स, इस पर रखिए नजर, अपडेट इनकी तरफ से भी आया है और बढ़िया अपडेट आया है। करीब होटल्स खोले, 5 नए होटल्स इन्होंने खोले, 11 के लिए करार किया है और पाइपलाइन भी काफी बढ़िया दिख रही है, तो आगे एक्सपेंशन स्ट्रेटजी भी बढ़िया है। लीडिंग हॉस्पिटैलिटी ब्रांड है भारत का, और इसमें अब 400 और 425 के टारगेट सिद्धार्थ की तरफ से आ रहे हैं आपके लिए। तो चलिए इंडियन होटल्स पर भी आप रखिए नजर, काउंटर रेडार पर रहेगा। M&M में फ्रेश खरीदारी आ रही है 1.5%, 6.5% नीचे इस समय ये काउंटर आते हुए दिख रहा है। सिद्धार्थ जी, आपकी कवरेज में है सर इंटेलेक्ट डिजाइन? जी दीप, हमारे कवरेज में है, और हम मानते हैं कि कंपनी की ग्रोथ आने वाले समय में अच्छी आ सकती है, क्योंकि मार्जिन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कटौती मुझे लास्ट क्वार्टर में दिखी थी, एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट ओवरऑल परस्पेक्टिव से हम यहाँ से पॉजिटिव है, और पूरे ही आईटी मिड कैप आईटी पैक में हम काफी पॉजिटिव है, इंक्लूडिंग कोफोर्ज या फिर LTI माइंडट्री या फिर बात करें इंटेलेक्ट डिजाइन, तो ये मिड कैप आईटी पैक में हम काफी पॉजिटिव है इंक्लूडिंग इंटेलेक्ट डिजाइन। ओके, इंटेलेक्ट डिजाइन ये है वो स्टॉक जहां पर पॉजिटिव है सिद्धार्थ जी। आइए बढ़ते आगे, और बिगुल की तैयारी है, सर कीजिए तब तक। सिद्धार्थ जी तैयार है हमारे 10 की कमाई का स्टॉक देने के लिए। सिद्धार्थ जी बताएं सर। जी बिल्कुल, पहले मैं अनिल जी स्टॉक बता देता हूँ, फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा जी। पहले स्टॉक बता दूं 10 की कमाई की जी, कि 10 की कमाई का स्टॉक होगा सोना बीएलडब्ल्यू, प्रिसिशन फोर्जिंग टेक्नोलॉजी, ऑटो एंसिलरी की कंपनी है, बेहतरीन लग रही है यहाँ पे निवेश के लिए। टारगेट आपको रखना है 680 रुपए का, 680 रुपीज का। ये प्रॉक्सी प्ले है ग्लोबल ईवी का, इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रॉक्सी प्ले है। चौथे तिमाही के जो ऑर्डर बुक है 21,500 करोड़ के ऑर्डर बुक है। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है सेल्स ग्रोथ 25-30% का आने वाले 2 सालों के लिए। बड़े ऑर्डर बुक आ रहे हैं ग्लोबल ईवी प्लेयर्स से, साथ ही साथ 7 नए कस्टमर्स ऐड किए हैं। तो सोना बीएलडब्ल्यू जिसे कहते हैं सोना कॉमस्टार, इस पे खरीदारी की राय 680 के टारगेट के लिए। और अनिल जी रिक्वेस्ट ये है चॉकलेट डे के दिन पे, तो अनिल जी मुझे फेरेरो रोशर बहुत पसंद है, वो चॉकलेट जो आती है गोल्डन रैपर में रैप किया हुआ, तो ऐसी कोई चॉकलेट दीजिएगा। ओके, फेरेरो रोशर, अच्छा कहाँ की है ये, कौन से देश की, जर्मनी की है? जर्मनी की नहीं है अनिल जी, स्विट्जरलैंड की है। आई डोंट थिंक जर्मनी की नहीं है तो आपको पसंद आएगी। जर्मनी की कोई खास ब्रांड जो अच्छी हो चॉकलेट में सर? नहीं नहीं अनिल जी, जर्मनी तो मैं गया ही नहीं हूँ, आप सभी के साथ जाने का कार्यक्रम है। आप गए, ये लो भाई साहब, ये खुद कभी, कुणाल जी ये क्या चल रहा है, हम इतने सालों से भरोसा करके बैठे, जर्मनी जाए तो खुद नहीं गए अभी तक आज तक। हम तो सोचेंगे कि जर्मनी में कुछ एक आध उन्होंने घरवर बना रखा होगा कुछ वहां अस्थायी के करीब, अगर 45,000 के नीचे निकल के टिका तो 44,750-44,900 होगी वो रेंज जहां पर आपको बैंक निफ्टी आते हुए नजर आएगा। लेकिन निफ्टी भी देखते हैं 19,375-19,425 की रेंज को होल्ड करता है, यानी बेहद इंटरेस्टिंग लेवल पर आते हुए बाजार। और अब स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स में भी थोड़ा करेक्शन दिख रहा है, मिड कैप इंडेक्स में करेक्शन थोड़ा जोरदार होता दिख रहा है, ब्रॉडर मार्केट लगभग 0.1% नीचे हो चुका है और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% नीचे, तो थोड़ी धुलाई थोड़ी पिटाई आज आपके लिए होती हुई दिखेगी इस वक्त। आइए
विदा लेने का वक्त है, विदा लेने का वक्त है। पहले तो जय ठक्कर साहब और अमरीश मलिगा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद एसपीएल के लिए, और सचिन जी का और पालिया साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। कुणाल जी, राकेश जी और सुमित जी का विशेष आभार सुबह के सत्र में साथ देने के लिए। दोपहर में आप सबसे होगी फिर मुलाकात।